खुशामदीद सलमा। बहुत शुक्रिया यास्मीन। तुमको भी खुशामदीद। चले आए अंदर। नहीं आपका शुक्रिया, लेकिन मुझे जरा जल्दी जाना है, मेरी जरूरी मीटिंग है अभी। एलिफ, आप यहाँ जान के साथ खेलो, मैं वापसी पर ले जाऊंगी इसे। ठीक है, जान इसके साथ खेलकर बहुत खुश होगा। उस दिन मुझे एक नई दोस्त मिली। तुम फ्रूट्स क्यों नहीं खा रही हो? मैं खा चुकी हूँ, बहुत थोड़ा खाया है। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं? पसंद है। बच्चों, तुम लोगों ने फल खत्म कर लिया? मैंने तो खा लिया। एलिफ, तुम भी अपना सारा फल खत्म करो। मैंने खा लिया है, थैंक्स। अगर चाहती हो तो जाकर जान के कमरे में उसके साथ खेल लो, मुझे यकीन है तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। फिर क्या ख्याल है तुम्हारा? चलो चले। ठीक है। यास्मीन आंटी। हाँ बोलो बेटा। अम्मी को कॉल किया आपने, वो कब आएंगी? नहीं की बेटा, लेकिन जब उनका काम खत्म होगा तो वो खुद ही आ जाएंगी। तुम दोनों जाकर खेलो, फिर मिलकर खीर खाएंगे। खीर बनाई है? तैयार हो गई है? हाँ, क्या? बिल्कुल। यस। खिलौनों के साथ खेले क्या? हाँ ठीक है। ये देखो, ये बहुत झूठ बोलता है, कैसा लगा? ये सबको धोखा देता है, झूठ बोलने की वजह से इसे कोई पसंद नहीं करता। अच्छा चाहती हो तो फिर बास्केटबॉल खेलें? मैं बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेलता हूँ। बास्केट चाहे जितनी भी दूर हो, मेरा बॉल बिल्कुल सही जगह पे जाता है। तुम देखोगी, देखकर हैरान रह जाओगी। तुम मर्द को जानती हो? मेरा कजन है, वो भी मुझसे हार जाता है। सच में मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूँ। अगर तुम चाहती हो तो कुछ और खेल लेते हैं। तुम बैलून बनाना चाहोगी? देखो मेरे पास कितने सारे बलून्स हैं। क्या कहती हो, दोनों मिलकर बनाते हैं? अम्मी कब आएंगी बताओ ना। मुझे नहीं पता कि वो कब आएंगी। एलिफ को शायद हमारा घर अच्छा नहीं लगा, वो बोर हो रही थी, ना वो मेरे साथ खेली और ना उसने कुछ खाया। जान, अगर खीर के लिए आए हो तो थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा बेटा। नहीं, इसलिए नहीं आया। एलिफ कहाँ है? वो रूम में है। अम्मी जान। बोलो बेटा। एलिफ कुछ भी नहीं खेल रही, अपनी अम्मी का इंतजार कर रही है वो। वो ऐसा क्यों कर रही है पता है तुमको? मुझे क्या पता। तुमको याद है जब मैं एक दिन तुम्हारी खाला के घर गई थी और तुमको तूना के घर छोड़ा था? जी हाँ याद है मुझे। उस दिन तुम भी बहुत बोर हुए थे। जी बहुत बोर हुआ था। क्यों बोर हुए थे? क्योंकि मैं उनके घर पहले नहीं गया था, शायद इसीलिए। एलिफ के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, लगता है उसको भी अच्छा नहीं लग रहा। समझ गया। उसे खुश करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आइडिया, अम्मी जान आप भी हमारे साथ खेलें, तीनों मिलकर खेलेंगे तो बहुत मजा आएगा। कैसा आइडिया है? ठीक है ठीक है, लेकिन पहले खीर खा लें, वो तैयार हो गई है। क्या ख्याल है? एलिफ, तुम कौन सा खेल ज्यादा पसंद करती हो? ड्राइंग करती हूँ और डॉल्स के साथ खेलती हूँ मैं। मुझे भी ड्राइंग बनाना बहुत पसंद है। हाँ अच्छे खेल हैं, लेकिन मुझे कुछ और अच्छे खेलों का भी पता है। वो भी बहुत अच्छा खेल है क्या? हाँ बिल्कुल। घर में खेल सकते हैं क्या? हाँ क्यों नहीं, हम तीनों फिर खेलें अम्मी। उस दिन अम्मी ने हमें एक नया खेल सिखाया। अम्मी ने पहले हमें इस खेल के रूल्स बताए। मुझे वो खेल बहुत अच्छा लग रहा था और एलिफ को भी बहुत अच्छा लगा। एलिफ की और मेरी आंखें बंद कर दी। अम्मी ने खिलौना कहीं छुपा दिया। उसके बाद आंखें खोलकर मैंने एलिफ के साथ खिलौना ढूंढना शुरू कर दिया। हाँ तो बच्चों, अब अपनी आंखें खोल लो। अब तुम लोग कैंगरू और चूहा ढूंढोगे जो कि मैंने छुपा दिए हैं। चलो जल्दी शुरू करो, जल्दी। चूहा ढूंढो चूहा।
जल्दी करो। चूहा कैंगरू चूहा चलो एलिस तुम भी करो। कैंगरू चूहा कैंगरू चलो बच्चे जल्दी करो। ठीक है जल्दी करो ढूंढ भी लो। मेरे ख्याल से यह नहीं है, हम कहीं और ढूंढते हैं। किसी और जगह देखते हैं। यहाँ नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ, कुछ नहीं। यहीं पर होगा। हाँ मेरे ख्याल से यहाँ होगा। कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ। वो देखो वो पड़ा है। कहाँ है? देखो मैंने ढूंढ लिया। ये खेल बहुत मजे का है, चलो फिर से खेलें। चलो ना प्लीज। जी अमी चले ना खेलते हैं। ठीक है लेकिन इस दफा किसी और जगह छुपाऊंगी मैं। जल्दी अपनी आंखें बंद करो। ये ले हो गई बंद। उस दिन एलिफ हमारे घर मेहमान बन के आई। वो पहली बार हमारे घर आई थी इसलिए बहुत बोर हो रही थी। वो बार बार अपनी अम्मी का ही पूछ रही थी। फिर मैंने अम्मी ने और एलिफ ने मिलकर खेलना शुरू किया तो एलिफ को भी बहुत मजा आया। अब वो फिर हमारे घर आएगी। फिर बाद में क्या हुआ वो बाद में बताऊंगा। अभी इस बुक में बहुत से पेजेस बाकी हैं।